हेलो, मेरे किचन में आपका स्वागत है। कीर्तना किचन डायरी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम उड़द दाल की स्वीट बनाएंगे, अड़दिया। तो अड़दिया पाक विंटर सीजन के लिए बहुत अच्छा है। जो सामग्री मैंने दिखाई है और स्क्रीन पर सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, तो आप उसी तरह अच्छे से बना सकते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट 100% परफेक्ट बनेगा, जो हलवाई बनाते हैं ना वैसे ही। तो हमने उड़द दाल को थोड़ा रोस्ट करके उसको पाउडर बना लिया है। मिक्सी में उसका पाउडर दरदरा सा पीसना है। उड़द दाल लेके उसको अच्छे से भून लेंगे, मतलब थोड़ा उसका जो है ना नरमी वो दूर हो जाए और उसको तो ग्राइंड करने में इजी रहे, इसलिए इसका पाउडर हम घर में ही मिक्सी में डाल के बना सकते हैं। उसको फाइन पाउडर नहीं बनाना है, जस्ट थोड़ा दरदरा रखना है। मतलब उसमें दो दो टाइप का पाउडर भी रहेगा और थोड़ा दरदरा भी रहेगा। तो मिक्सी में ऐसा हो ही जाता है। ये पाउडर बनाने के लिए मिक्सी में अच्छा हो जाता है, इसलिए मिक्सी का हमने उपयोग किया है। आपके पास कोई ग्राइंडर वगैरह है तो उसके उसमें भी आप बना सकते हैं, और रेडीमेड मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। ताकतवर है, ताकत देता है, इसलिए तो हम अड़तिया पाक बनाते हैं। उसमें बहुत सारे मसाले भी पड़ते हैं तो इसके लिए ठंडी भाग जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए ठंडी के सामने प्रोटेक्ट होने के लिए हमें ये लेना ज़रूरी है। और जो विंटर सीजन का जो पाक रहता है ना, वो सारे लेना चाहिए। तो इसमें घी भी सारे पड़ते हैं, तो घी खाने से भी ताकत मिलती है। ये गोंद है, गोंद को मैंने घी में फ्राई करना है तो इसलिए उसको फ्राई कर दिया है। जो आटा हमने दर तरह से पीसा था ना, उसमें थोड़ा सा 2 स्पून घी और 2 स्पून दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके ढक कर रख देना है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो वो उसको द्राबा देना बोलते हैं। द्राबा दे देते हैं तो अच्छे से उसमें कणीदार बनता है। अभी ये जो गोंद है ना, उसको घी में अपने आप फूल के ऊपर आ जाएगा। आप इसी तरह इसे चला लेंगे और बहुत ही एकदम नरम नरम सा हल्का सा होता है। सो उसको अब वाटी का पीछे का हिस्सा होता है ना, उसी से आप पाउडर बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने घी में फ्राई कर लिया है, देखो अपने आप ये ऊपर आने लगा है। एकदम हल्का सा होता है, बिल्कुल वजन में भारी नहीं रहता है, और ये एकदम अच्छा रहता है। कमर दर्द, जॉइंट जॉइंट्स पेन, बैक पेन सबके लिए बहुत अच्छा रहता है और बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, इसलिए ये गोंद तो खाना ही चाहिए। जब विंटर में नहीं खाया तो कभी नहीं खाया, ऐसा होता है। इसलिए मतलब इसको ना, जो सारे चीज़ें होती हैं ना, गर्म मसालेदार वसाना बोलते हैं, ये सब अभी तो विंटर में खाना ही चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें इसमें पड़ती है। विंटर आइटम को छोड़ना नहीं, वो ज़िंदगी भर का ताकत होता है। अभी ये पाउडर हमने बना के जो रखा था ना, उसमें घी और दूध मिला के अभी रेडी हो चुका है। इसको भी धीरे धीरे करके हम घी में डाल देंगे। आपको ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके रखना है तो रख सकते हैं। मैंने उसको थोड़ा हल्का सा दरदरा पीस लिया था। अभी ये जो पाउडर बना है ना उड़द दाल का, उसको घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे। बस आधा किलो है तो आधा घंटा तो ज़रूर लगता है, तो आराम से उसको स्लो टू मीडियम में पकने दे। मतलब चम्मच से कुछ चलाते रहना, नीचे बैठ जाएगा नहीं तो। अभी थोड़ा अभी भारी लग रहा है ना, थोड़ी देर के बाद वो एकदम से हल्का हो जाता है, एकदम ऐसे देखो। अभी उसमें बबल्स आने लगे हैं, थोड़ी देर चलाने के बाद बबल्स आता है, इसलिए बस उसको भी लगातार चलाते रहना है। तो अच्छा सा एक एक दाना दाना पीस जाना, उसमें सेक जाना चाहिए। वो भुनता है अच्छा तो स्वाद में कच्चापन नहीं रहता है, इसलिए। अभी ये होने के बाद बुलबुले आने लगे हैं ना, तो हम उसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। नेस्ले का एवरीडे लिया है, डेरी वाइटनर, जो बहुत अच्छा स्वाद बढ़ाता है और मावे जैसा टेस्ट आता है। अगर मावा है तो आप मावा भी डाल सकते हैं। इसी स्टेज पे आप डाल के उसको रोस्ट कर सकते हैं।
चाहे मलाई भी आपको पसंद है तो वो भी 2 बड़ा स्पून भर के डाल सकते हैं, मावा से भी अच्छा है। अभी इसका हमने मावा जैसा टेस्ट आएगा, तो ये पूरी वाटी भर के लिया है, करीबन 100 ग्राम जितना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे तो उसमें कोई गुठलियाँ नहीं पड़ती है, क्योंकि घी गर्म है तो घी में ये मिक्स हो जाता है। देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिल्क पाउडर और ये भून चुका है। अभी आपको एकदम से ना सुनहरा कलर लगने लगा है ना, बस तो इसी स्टेज पे गैस बंद कर देना है। ये हमारी थोड़ी लाइट का इफेक्ट है चिमनी का, तो और गोल्डन ब्राउन लग रहा है ओरिजिनल, ये कलर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अभी हमने ये वाटी भर के, ये जो पीतल का है ना वो भर के हमने आटा, ये दाल लिया था तो हमने ये भर के शुगर पाउडर लिया है। अभी इसको मैंने एकदम से पीस लिया है, मैंने सवा भर के लिया है, तो करीब 400 ग्राम शक्कर है और सारे मसाले उसमें, सूट पाउडर, दालचीनी, सिनेमन, क्लॉव, ये इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर, सारे गोंद वगैरह डाल के उसको मिक्स कर देना है और उसमें शक्कर मिलानी है। सारी चीज़ें अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेना है, तब तक वो शक्कर घुल जाएगी। जब गर्म है ना तवा तो घुलने में कोई टाइम नहीं लगता है। ना 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 साहब बेरे इसी तरह हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी ग्रीस किया हुआ थाली है ना, तो उसमें हमें ऐड कर देना है जितना आता है उतना, उसका ना थिकनेस रखना तो अच्छा लगता है, पतला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हमें इसमें अगर घी ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप एक वाटी भर के डाल सकते हैं। मैंने अभी थाली में डाल के उसके ऊपर घी लगाया है तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से मिक्स हो जाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो मुझे थोड़ा सा सूखापन लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा घी ऐड किया, तो ये एकदम अच्छा लगता है। ऊपर से भी घी डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी शो अप कर सकते हैं, बस इसको चम्मच से थोड़ा गोल गोल घुमा के मिक्स कर दीजिए और ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। हमारा आइटम रेडी है, इसे हम अड़दिया पाक बोलते हैं। अड़दिया रेडी हो चुका है, बस तो ये इतना बन गया। और रियली बाज़ार से बहुत ही फ़ायदेमंद है, बाज़ार में ये सब मिठाइयाँ बहुत महंगी मिलती हैं जो हम घर में आसानी से बना सकते हैं। बस तो उड़द दाल लेके आओ और दरदरा पीस के बना लीजिए, और इसका पीसीस उसी टाइम बना कर रख देना, बाकी बाद में ना वो टाइट हो जाता है इसलिए सूख जाए, एकदम ठंडा हो जाएगा ना फिर कड़क हो जाएगा, इसलिए आप इसमें लाइंस बना के रख दीजिए। बाद में ठंडा होने के बाद पीसीस निकाल के डब्बा में भर लीजिए। बस खाओ पियो और एंजॉय करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंजॉय विंटर सीजन, बाय बाय।